हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड काली मिरी जीरा पाउडर। तो चलो देख लेते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम काली मिरी पाउडर। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम होल काली मिरी, जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने कर दिया है ऑन। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम रखेंगे लो टू मीडियम, हमें हाई फ्लेम में रोस्ट नहीं करना है। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। लगभग 3 मिनट हो चुका है, मेरा काली मिरी अच्छे से रोस्ट हो गया है। मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम ऑफ और हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार में और एक फाइन सा पाउडर हम रेडी कर लेते हैं। आप ये होममेड काली मिरी किसी भी सब्जी में डाल के देखिए, सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। आप इसे वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या कोई भी सैलड हो या फ्रूट सैलड हो आप उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो आप ये होममेड काली मिरी पाउडर घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये मार्केट से बहुत ही बेहतर है और ओरिजिनल घर में फ्रेश काली मिरी पाउडर आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा काली मिरी पाउडर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं हम सेकंड प्रोसेस की तरफ, जो है हमारा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे सेम 100 ग्राम ज़ीरा लिया है। मैंने ये डीमार्ट का लिया है, आप चाहे तो कोई और ब्रांड भी ले सकते हो। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। जैसे हमने काली मिरी को 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट किए हैं, सेम उसी तरह हमें ज़ीरा को भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। काली मिरी ज़ीरा हमें ऐसे भी यूज़ करते रहना चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है, ज़ीरा का कलर चेंज हो गया है और घर में बहुत अच्छी ज़ीरा की खुशबू आ रही है। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक ग्राइंडिंग जार में और हम इसे एक फाइन सा पाउडर रेडी कर लेंगे। आप काली मिरी ज़ीरा का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, घर के सब्जियों में यूज़ कर सकते हो, नॉनवेज जो बना रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो, वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके पेट का कोई मसला है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। आप ये होममेड काली मिरी ज़ीरा बना के देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसमें और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके खाने में। आप मिनटों में घर में काली मिरी ज़ीरा पाउडर रेडी कर सकते हो, एकदम फ्रेश रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, कोई मिलावट नहीं होगा। तो आप अगर बाहर से मार्केट से काली मिरी ज़ीरा पाउडर लेते हो तो आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। होममेड काली मिरी ज़ीरा बहुत ही खुशबूदार और खाने में भी आपका स्वाद 2 गुना बढ़ा देगा। तो ये देखिए हमारा ज़ीरा पाउडर भी बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। होममेड काली मिरी ज़ीरा पाउडर इज़ रेडी।